मित्रों, आपको अभी बहुत सारी बातें बताई जा रही थी। देखिए, अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है अपने आप को बनाना, मेकिंग। हम लोग यहां से बार बार कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मेकिंग इंडिया। इसका मतलब क्या है मेकिंग इंडिया? मतलब हम अपने यहां ही वो सारा चीज निर्माण करें जो हम विदेश से मंगाते हैं, मेकिंग इंडिया। और हम लोग नारा देते हैं कि मेकिंग इंडिया तो ठीक है, अच्छा है, मेकिंग यूथ, युवा बनाओ। नहीं, आप कहेंगे हम तो हैं युवा। देखिए, दो तरह का युवा है, एक अनगढ़, एक सुगढ़। अनगढ़ युवा जिसको जिधर बहा दिया जाए उधर ही क्या हुआ, बह गया। सब ट्रेन में लटक रहा था, हम भी लटक गए। आप तो लटक हुआ है। सब जा रहा था जिलेबी खाने, हम भी वे भीड़ में चले गए। भीड़ छटने का हमने इंतजार, हम तो भीड़ हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, भीड़ कभी निर्माण नहीं करता है। भीड़ एक झुंड है, जिधर बहा सब बह गया। इसी को बनाना पड़ेगा और ये बहुत ही मेहनत का काम है। फिजिक्स पढ़ाना आसान है, फिजिक्स हो सकता है पढ़ना भी आसान हो। मैथ पढ़ना आसान है, पढ़ाना भी हो सकता है आसान हो। लेकिन युवा को तराशना और उसको बनाना, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसके लिए भी जो बनना चाहता है, आप बिगड़ना चाहो, मैं चैलेंज कर सकता हूं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अभी पटना में मिलेंगे जहां बिगड़ने के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन बनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और जब तक इसके बनाने वाला प्लेटफॉर्म का निर्माण नहीं होगा, तब तक सही मायने में भारत का विकास नहीं होगा। बनाना पड़ेगा इसको, मेहनत का काम है। ये पीडीसी की जो चर्चा हो रही है, ये पीडीसी खाली भाषण प्रवचन नहीं है। इसमें तराशा जाता है, कैसे एक एक सब्जेक्ट अलग अलग है, कैसे तराशा जाता है। जैसे पत्थर को तराश तराश के क्या किया जाता है, क्या बनाया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है। जो पत्थर लॉज में है, इसी तरह उस पत्थर को यहां लाया जाता है। जो पत्थर पर लोग रोड पर इसी तरह चलते फिरते थे, उस पत्थर को तराश दिया गया, यह क्या बन गए, ये गायत्री माता बन गई। जब तक रोड पर वो पत्थर पड़ी थी, कोई उनको प्रणाम करता था, लेकिन जब वो मूर्ति बन गई, मंदिर में आ गई, तो हम आप सैकड़ों लोग वहां क्या कर रहे हैं, शरणवा। इसी का नाम है पर्सनालिटी, और इसको बनाना पड़ता है। तो आप पूछेंगे इसमें आप लोगों की भूमिका क्या है, आप लोग क्या करते हो। हम लोगों की भूमिका क्या है ये समझ लीजिए। जैसे छत छत की ढलाई होती है, आपने देखा है ना, ढलाई होते देखा है, नहीं देखे, खपड़ा के घर में रहते हैं नहीं, अरे गांव में देखे होंगे ना जी, खाली रेलवे। छत की ढलाई में क्या लगाया जाता है, सेनेटरिंग लगाया जाता है। कब तक लगाया जाता है, जब तक वो मजबूत ना हो जाए। अब उसके बाद क्या किया जाता है, खोल लिया जाता है। नहीं साहब, आप खोलिएगा तो फिर हम गिर जाएंगे, है भैया। ये पीडीसी वही काम करता है, सेनेटरिंग का काम करता है, सेनेटरिंग का। और उसके बाद वो ठोस आकार ले लेता है। हम नहीं कहते ये बात, हमारी बात मत मानिए, हमारे पास इतना अनुभव लिखा हुआ है, अनुभव। ये निर्माण हो रहा है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी मंदिर में चले जाइए, भारी भीड़ मिलेगा। न जाने वो भीड़ भगवान को खुश करने के लिए जाता है कि अपना दुख देने के लिए जाता है। कई लोग कहते हैं भगवान खुश होते हैं, कई लोग कहते हैं भगवान को हम अपना दुख सुनाने जाते हैं।
ये निर्माण का नाम ही अध्यात्म है, मेकिंग, ये विज्ञान है, ये साइंस है। और आपका निर्माण कोई नहीं कर सकता है, आपका निर्माण आप ही को करना होगा। आप जिम में जाते हो, मशीन सब लगा हुआ है ना, अलग अलग सब चीज का, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, सब है, लेकिन उस वहां आपको मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम देखें रोज, आए प्रणाम करें या चल जाए बन जाए, नहीं। अपना निर्माण, और इसी के लिए हम लोग बताते हैं ध्यान। क्या ध्यान? ध्यान क्या है? ध्यान वो चीज है कि आदमी अगर सही से ध्यान करना सीख ले तो जीवन का सारा सुख उसे प्राप्त हो सकता है। उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाता है, टिकाऊ। आज भारत पाकिस्तान का 2020 है, आज ही है, आज ही है। अच्छा, पीच पर जाए बल्ला लेके और टिके नहीं तो आप क्या कहोगे? गलत प्लेयर को ले लिया था। आप कहोगे गलत प्लेयर ले लिया। और आपकी स्थिति क्या है? आप किन किन चीजों पर टिक पाते हो? रूटीन तो आप बनाते हो, इतने बजे जगेंगे, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे फलाने सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हम लोग भी बनाते थे अपने जमाने में, और खूब बढ़िया से उसको स्केचिंग करते थे, खूब बढ़िया रंगते थे उसको, कलरिंग। और उस समय कलरिंग करते हुए तो ये लगता था कि चौका छक्का मार ही देंगे। दो से तीन दिन जाने के बाद जो हमने चिपकाया था रूटीन, उस पर झोल धक्कर लग गया। पता नहीं रूटीन कब गया, कहां गया, किस कोने में गया। मतलब हम टिकने की स्थिति में तो रन कैसे बनेगा भाई जीवन का? ये ध्यान क्या काम करता है? आपके अंदर वो एनर्जी देता है कि जो आप संकल्प ले लो उस पर आप टिकने की क्षमता आपके अंदर। ये ध्यान क्या काम है? गायत्री मंत्र का काम है, लेकिन ध्यान उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। और ध्यान की एक विशेषता है, आप जिस चीज का ध्यान करोगे वैसी ही शक्ति आपके अंदर आना शुरू होगा। लेकिन ध्यान होना चाहिए, इन्हें की आंख तो बंद है और दोस्तवा भी लिट्टी चोखा खा रहा होगा। आंख तो बंद है, आ गांव में हमर चचेरा भाई गेल हो गई, ये ध्यान नहीं हुआ। प्रयास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, फिर जब लग जाएगा तो मजा आएगा और आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप करेगा। और आपके द्वारा लिया हुआ संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प तो सभी लेते हैं, लेकिन संकल्प को पूरा करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो बॉर्न बीटा से मिलेगा। तो कौन डिब्बा में घोड़ के उजर का दूध मिल क्या पिलाता है? वो प्रोटीन पाउडर। क्या है ये प्रोटीन पाउडर? अरे प्रोटीन पाउडर से तू भैंसा हो सकता है, शरीर ऐसा है ऐसा, ये भैंसा हो आप कर, लेकिन माइंड टिकने की स्थिति। जिस काम को संकल्प लिया उसको पूरा करने का ताकत। अभी हमारा नाम लिया जा रहा, 27 साल हो गए, न कभी थके न हारे, न ये समझ में आया कि भविष्य क्या होगा। जब बुरे चीजों का भी भविष्य होता है तो अच्छे चीजों का भी भविष्य निश्चित है। आप लोगों की स्थिति क्या है? हमने सिखाया, यहां आपने सीखा, भाइयों ने सिखाया, रूम पर गए, 5 दिन खूब बढ़िया किए, 6th दिन से शुरू हो गया। वो तो दोनों आप ही के भीतर है, कौरव और कौरव का संख्या ज्यादा है और पांडव का कमजोर है। कौरव को खूब खिलाए पिलाए हैं और पांडव कमजोर है, हमला कर दिया। और आपने जो संकल्प लिया वो संकल्प नहीं पूरा होता है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने के नाम पर सब पटना आ जाता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैट्रिक पास कर ली हो, सब कह ले चल जो पटना, कोचिंग में एडमिशन ली है। कोचिंग का स्पेलिंग बोलो,
ये तो सर नहीं पढ़ाए हैं। मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप जितने कोचिंग वाले पढ़ने वाले हो उसमें से सर को कहो कि सर क्लासरूम में एक एक बच्चों को कोचिंग का स्पेलिंग पूछ लीजिए। कम से कम मेरा विश्वास ऐसा है कि 40% लड़के ऐसे होंगे, 60% पास हो जाएं, जिनको कोचिंग का स्पेलिंग पता नहीं है, लेकिन कोचिंग हो रहा है। क्या करें, कहां जाएं, यही ऑप्शंस है। कम से कम इसी बहाने समय तो कट रहा है, रेलवे के नाम पर, बैंक के नाम पर, बैंक रुपया गिन रहे हैं। अब मशीन आ गया, आपका जरूरी नहीं है आपका। तो ये कौन बनाएगा इनको? आपके बारे में किसी की चिंता नहीं है। अभी निशांत रंजन जी हमें बता रहे थे कि बिहार सरकार, गांव में पहले खपरेल स्कूल था, प्राइमरी और मिडिल स्कूल, हम लोग खपरेल स्कूल में, खपरा वाला घर में पढ़े हैं। अब तो गांव में पता नहीं चलता है, वो बिल्डिंग देखने के बाद क्या बात है भाई, क्या बिल्डिंग बना है स्कूलों का, लेकिन उसमें जो टीचर है, बिल्डिंग हो गया 4 मंजिला और टीचर, इससे तो बढ़िया वो खपरा वाला था जो बिल्डिंग भले कमजोर था लेकिन पढ़ाने वाले जो होते थे, जो पढ़ा देते थे, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल के भी बच्चे आज उसके सामने कुछ नहीं है। हमने देखा है उन शिक्षकों को। तो आप क्या बनाना चाहते हो, बिल्डिंग, रोड, क्या बनाना चाहते हो? अरे ये इसको बना दो भैया, ये अगर बन गया ना तो इस भारत को दुनिया का शक्तिशाली देश बनने से न तो चाइना रोक सकता है, न अमेरिका रोक सकता है, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि भारत को सर्वशक्तिमान बनने से कोई रोक सकता है। ये इस शक्ति के बल, ये है अध्यात्म, ये है अध्यात्म। अच्छा ये है, हम तो बुझलिए जे बोलते दिया जला रही है, आ दिया जला के ई सब है ना। हम तो खाली सोचे थे जे बलवा के उड़ा ले लिए हैं, इतना इतने कटोरा उचक्का चोर लफुआ कहां के, आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, माफ करना भाई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं। यहां आ गए, ये बहुत गलत कर गए, किसी को आपने धोखा धोखी कह दिया, हम गाइत अभी पढ़े के न उम्र हो गए, मंदिर जे मी, हाँ बिल्कुल सही, रोड पर खड़ा होके गांजा पियो, बाइकर्स गैंग बनाओ, उसको कोई माई का लाल समझाने वाला नहीं है, न कहने वाला है। इसलिए भैया ये ध्यान यहीं पे काम करता है, मेडिटेशन। और आप कहते हो मेरा मन लगता नहीं है, कैसे लगेगा, इतने घाट का पानी पिए हो आप, इतने घाट का पानी पिए हो, आंख बंद करते हो तो वह घाट सब याद आता है, है? हमको बुरबा बुरबक पूछते हैं, निशांत रंजन को समझाइएगा, हाँ भैया बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोले, ज्ञान के बात बोलो भैया, और ज्ञान के तू समझे वाला कितना है, हम ना समझते हैं, आंख मिल मिला रहा है, इसे इसे कर रहा है, कब चप्पल चुरा के भाग जाए, माफ करना भाई, ये बात कहना, इसको ठीक कर, ये अपने आप को सहज सरल, और तब ये आपका माइंड पावरफुल बनेगा, और तब आप इस माइंड से जो काम करोगे ना उस पीच पर टिकोगे भी और रन भी बनाओगे। अभी तो खाली बल्ला देखा भाई, हमू खरीद ले ही हो, खेल भी, वो तो उधर से बॉलिंग किया ना सर, हम मार दिए कैच ले लिया, तू तो लुच्चा था, प्रैक्टिस कर ली हाल, सब बल्ला ऐसे ऐसे कर ले, हम सोचिए ऐसे ऐसे कर ले, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का,
हो गया रेलवे में तो ठीक, नहीं हुआ तो पकौड़ा बेचेंगे। यही है निर्माण, स्टेबिलिटी। निर्णय ले लिया तो ले लिया, हटेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। और अच्छा था, मैं तो बार बार इस बात पर रिपीट करता हूं हर स्पीच में कि हम लोगों के टाइम में अंग्रेज को भगाने का काम हम लोगों को नहीं मिला, ये बहुत ही बढ़िया हुआ। नहीं तो हम लोग भगा, अगर अंग्रेज 250 ग्राम जिलेबी हम लोगों को खिला देता, सही बता रहे, भाषण से होते ही राशन नहीं में गले, जिलेबी खिले लखो, ये तो अच्छा है। ये प्रोडक्ट उस जमाने में नहीं आया इंडिया में, ये प्रोडक्ट आता, जो प्रोडक्ट अभी कुछ नहीं हुए मैडम, तो भगत सिंह है ही, हम जानते। ये प्रोडक्ट अगर आता तो पहला, अगर आजादी के लड़ाई के लिए ललकारा जाता, आ जाओ आ जाओ, और नौकरी चाकरी पहला क्वेश्चन होता। अच्छा मान लीजिए हम चले गए आपके कहने पर, अब देश आजाद नहीं हुआ तब सब कुछ। अभी ये प्रोडक्शन यही है अभी इंडिया का, अभी जो भारत का प्रोडक्शन है, ताली खूब बजाता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, कथी के मातरम रे। कुर्ता पैजामा पहन लिया तो हो गया नेता, है दो पैसा के कुर्ता, दो पैसा के पैजामा, और दो पैसा के उधर का जूता, और गाल फुला ले ले, 250 ग्राम पर जिलेबी पर बिके वाला। अभी का युवा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अभी आप सब लोग यहां बैठे हो, पता चल जाए कि बाहर एक नेता जी आए हैं, 200 ग्राम जिलेबी बांट रहे हैं, जो पीछे वाला है कुछ तो मेरा लाज कर लिहाज से बैठा रहेगा आगे वाला, आप पीछे वाला कहेगा चल ना देखता हूं तम ना, धीरे से एक एक करके खिसकी है सही बता रहे, सही बता रहे। और इस तरह के प्रोडक्शन से मोदी जी को गर्व होता है, भारत युवाओं का देश है, 250 ग्राम जिलेबी में बिके वाला छोड़ा, 23 साल के भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, अंग्रेजों को हिला के रख दिया था। और टिक गए जब पीच पर, अंग्रेज का सब गुगली फेल कर दिए। आप तो समझौता कर लीजिए, ऐसा ठोस युवा जो हिलने वाला नहीं हो, डिगने वाला नहीं हो, ऊपर की भी शक्ति उसी को मिलती है, भगवान भी टटोलता है। माल का पोजीशन क्या है, हालांकि आजकल माल का परिभाषा बदल गया है, अब आर्यन खान पकड़ाए हैं हम लोगों के बड़े अच्छे चेहते हैं, और कल एगो हीरोइनों पकड़ाई, क्या नाम है, कौन पांडे, अनन्या पांडे, चंकी पांडे के बेटी, वो पकड़े। क्या है भाई, तो गांजा पीते हैं, बीट्स बीट्स, हाँ बीट्स। ये देश है, मोदी जी को गर्व है अपने देश पर, नेताओं को गर्व है। अभी नेता लोग घूम रहा है चुनाव में, युवाओं जगो, हमको वोट दो, हम चारपहिया गाड़ी खरीदेंगे, आ तुम साइकिल पर चलना, तेल महंगा हो गया है ठीक करता है। आपकी जो दशा होनी चाहिए उसके कोई आपका दशा बिगाड़ने, आप स्वयं अपने दशा अपने बिगाड़ रहे हैं। संसार में किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमारा दशा बिगाड़ सकता है, हम अपने दशा को बिगाड़ने के स्वयं भागीदार हैं।